नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम बात करने के लिए आए हैं। जब भी आप अपने घर का काम करवा रहे हो या फिर घर बनवा रहे हो या घर बनवाने की सोच रहे हो तो दोस्तों ऐसे में हमें बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है और हर एक चीज़ हम चाहते हैं कि हमारा बेहतरीन लगे, अच्छा लगे, मजबूत लगे। हम अपने बजट में सबसे बेहतरीन काम अपने घर का करवाना चाहते हैं और उसमें कोई कमी या कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। ऐसे में दोस्तों क्या होता है, काफ़ी बार हम छोटी छोटी बातें जो हमें पता नहीं होती है हम उन काम में मिस्टेक कर देते हैं और उसके कारण हमें उन छोटी छोटी बातों के कारण बहुत बड़े नुकसान हो जाते हैं, मतलब पैसों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। क्योंकि पैसा बजट जो होता है एक लिमिट होता है, उस लिमिट के आगे हम पैसा खर्च कर नहीं सकते और क्या आगे जब हमें खर्च करना पड़ता है तो वो हमें चुभता है। तो दोस्तों इसलिए सब कुछ हम सही तरीके से करना पड़ता है। जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाई थी, जब भी आप घर के फ्लोरिंग में टाइल लगवाने वाले हो या टाइल लगवाने वाले हो कहीं भी, तो टाइल खरीदते टाइम पे आपको किन किन बातों का ध्यान रखना। अगर आप वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उसका लिंक आपको वीडियो के एंड में और आई बटन में दे दिया है, आप प्लीज़ वो जाके वीडियो ज़रूर देखें, बड़े काम की वीडियो है और अच्छी लगेगी वो वीडियो। अब मैं यहाँ बात कर लेता हूँ कि आज की वीडियो जो हम बात लेकर के आए हैं वो है चौखट के बारे में। दोस्तों जब भी हम चौखट लगवाने वाले होते घर में तो ऐसे हम किस चीज़ का चौखट लगवाएं, बहुत लोगों के इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपका आजकल इतने सारे तरह के चौखट आने लगे हैं कि लोगों के दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चन आने लगे हैं। और पर चौखट अगर गलत चौखट आप गलत जगह लगा देते हो तो इसके बहुत सारे नुकसान हैं। मैं आज इसी टॉपिक पर बात करने के लिए आया हूँ कि आप किस जगह पर कौन सा चौखट लगाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आप कितने प्रकार के चौखट होते हैं। यहाँ पर दोस्तों जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, सबसे पहला जो होता है वो लकड़ी का, सबसे पुराना चलते हुए आ रहा है और इसको बहुत टाइम से लोग यूज़ करते हुए आ रहे हैं लकड़ी का। फिर उसके बाद दोस्तों आजकल ग्रेनाइट का, फिर लोहे का, स्टील का और सीमेंट का और प्लाई का, मतलब इस तरह के बहुत सारे तरह के चौखट आ गए हैं। अब कहाँ पर कौन सा चौखट यूज़ करें तो इसलिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि दोस्तों आपको इस वीडियो में आपके हर एक सवाल का जवाब मिलने वाला है। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आपको सोच लेके एंड तक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं मेन डोर की, आपको मेन डोर पे कौन से चौखट लगाना चाहिए। दोस्तों अगर आपका बजट जो है वो काफ़ी अच्छा है तो दोस्तों ऐसे में आप एक वुडन का डोर फ्रेम लगाएं जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है, काफ़ी अच्छा भी लगता है। क्योंकि दोस्तों वुडन का जो डोर फ्रेम है ये बहुत लंबे टाइम चलता हुआ आ रहा है और ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने में भी। और अगर आपके पास बजट अच्छा खासा है तो आप सागवान का डोर फ्रेम यूज़ कर सकते हैं जो कि देखने में काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी ड्यूरेबल होता है हर एक मौसम में। तो इसलिए सागवान का अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं कहूँगा कि आप सागवान का ही डोर फ्रेम लगवाएं। अब यहाँ पे आप बहुत लोग ग्रेनाइट प्रीफर भी करते हैं, बहुत लोग लोहे का चौखट प्रीफर करते हैं और बहुत लोग सीमेंट का चौखट प्रीफर करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम मेन डोर है तो मैं यहाँ पे हमेशा कहूँगा कि आप वुडन डोर फ्रेम की तरफ जाएं, ये एक मजबूत और एक अच्छा डोर फ्रेम है और एक अच्छा ऑप्शन है डोर फ्रेम के रूप में। अगर आपके पास बजट अच्छा नहीं है तो यहाँ पे आप ज़रूरी नहीं है कि सागवान की तरफ ही जाएं, आप दूसरे डोर फ्रेम भी आते हैं, दूसरे लकड़ी के डोर फ्रेम भी आते हैं, वुडन डोर फ्रेम भी आते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने घर में। अब दोस्तों इसमें हो जाता है कि ग्रेनाइट का डोर आप क्यों नहीं लगा सकते और बाकी का डोर क्यों नहीं लगा सकते। ग्रेनाइट का डोर दोस्तों टूटने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, तो ग्रेनाइट का जो डोर फ्रेम होता है वो कोई भी बहुत आराम से तोड़ सकता है और लोहे का बाकी जो डोर फ्रेम होता है वो गलने का ज़्यादा डर रहता है। इसलिए दोस्तों लोहे का तो ना ही लगाएं और ना ही आप ग्रेनाइट का जाएं, वहाँ पे सबसे बेस्ट है मेन डोर फ्रेम में आप वुडन डोर फ्रेम की तरफ जाएं। दोस्तों हो सकता है यहाँ पे आवाज़ में कुछ दिक्कतें आ रही हो या फिर कुछ एक्स्ट्रा आवाज़ आ रही हो। दोस्तों ये जैसे कि आपको पता है दशहरा चल रहा है, यहाँ पे आसपास पूजा हो रही है तो उस कारण से आवाज़ में कुछ इंटरप्शन मिल सकती है। दोस्तों आपका मेन डोर का जो साइज़ होना चाहिए एग्जैक्टली 7x3.5 का होना चाहिए, एक अच्छा खासा साइज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खासकर मेन डोर का, क्योंकि मेन डोर से आपको बहुत सारे सामान अंदर बाहर करने पड़ते हैं। घर का सोफ़ा आप बहुत कुछ जब आप सामान अंदर लाओगे तो आपको एक अच्छा खासा डोर का साइज़ होना चाहिए जिस कारण से आपको सामान अंदर बाहर ले जाने में कोई दिक्कत ना हो। अगर साइज़ कम होता है तो ऐसे में दोस्तों बहुत डिफ़िकल्टी होती है कोई भी सामान अंदर बाहर लाने में, और ज़्यादा बड़ा चौड़ा भी डोर फ्रेम नहीं रखें। 7x3.5 का हाइट परफेक्ट होता है दोस्तों, और ज़्यादा बड़ा चौड़ा रखेंगे तो इसमें डोर को लहर खाने का भी बहुत ज़्यादा डर रहता है। इसलिए 7x3 का परफेक्ट साइज़ होता है दोस्तों कोई भी डोर फ्रेम का, आप इससे ज़्यादा बड़ा डोर फ्रेम ना ही रखें तो ज़्यादा बेटर है। ये एक परफेक्ट साइज़ है, इसे छोटा रख सकते हैं, 3 का रख सकते हैं, 3.5 का रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत साइज़ ऊपर नीचे आप अपनी तरफ से आप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपको और किस डोर फ्रेम का मैं कौन कौन सा यूज़ करना चाहिए। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके बाथरूम के डोर फ्रेम, वहाँ कौन से डोर फ्रेम यूज़ किया जाए।
बाथरूम के डोर फ्रेम में दोस्तों यहाँ पे आप ग्रेनाइट का यूज़ कर सकते हो, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। और दोस्तों जब भी आप ग्रेनाइट का डोर फ्रेम यूज़ करें तो हमेशा एक बात का ध्यान रखें, डोर के साथ स्टॉपर का यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि अगर बार बार दरवाज़ा दीवार से लगेगा या चौखट हिलेगी तो दोस्तों ऐसे में जो आपका ग्रेनाइट का डोर फ्रेम लगा हुआ है वो हिल जाएगी और फिर बाद में बहुत उसको बड़ा दिक्कत होती है उसको फिक्स करने में। इसलिए दोस्तों आप जब भी ग्रेनाइट का डोर फ्रेम यूज़ कर रहे हैं तो स्टॉपर का यूज़ ज़रूर करें। अब इसके बाद हो जाता है कि आप इसमें लोहे का यूज़ कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो यहाँ पे लोहे का और लकड़ी का कतई यूज़ ना करें बाथरूम में खासकर। वो क्यों यूज़ ना करें, क्योंकि दोस्तों आप लकड़ी का यूज़ करते हो तो एक टाइम के आने के बाद आपका लकड़ी का जो डोर फ्रेम वो सड़ जाता है और ख़राब लगता है देखने में। फिर उसके बाद आ जाता है लोहे का डोर फ्रेम। लोहे का डोर फ्रेम भी बहुत लोगों ने यूज़ किया और यूज़ कर भी रहे हैं, तो उसमें दिक्कत क्या आती है, उसमें वो जंग लग के सड़ जाता है और उसके झड़ जाता है। आपने बहुत सारे डोर फ्रेम और डोर देखे होंगे जहाँ कि आपके लोहे का यूज़ किया गया और नीचे का भाग जो होता है डोर फ्रेम का डोर का वो गल जाता है और वो अजीब सा छेद बन जाता है, देख रहे हो बहुत ही भद्दा और गंदा लगता है। तो इसलिए यहाँ पे आप या तो आप यूज़ कर सकते हैं ग्रेनाइट का या सीमेंट का डोर फ्रेम यूज़ कर सकते हैं, जो थोड़े सस्ता भी पड़ता है आपको, और आप चाहें तो यहाँ पीवीसी का डोर भी यूज़ कर सकते हैं, जो प्लास्टिक का डोर फ्रेम भी आजकल आने लगे हैं बाथरूम के लिए, या आपके बजट ओरिएंटेड ये भी सस्ता पड़ेगा और काफ़ी अच्छे लगेंगे बाथरूम में देखने में, तो आप इन डोर फ्रेम्स को भी यूज़ कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इनके साइज़ की, बाथरूम के डोर फ्रेम है इसके साइज़ की। इसका साइज़ आप 7x2.5 का रख सकते हैं, बाकी थोड़ा बहुत साइज़ ऊपर नीचे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको चौड़ा या छोटा कर सकते हो। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि बेडरूम या फिर छत के दरवाज़ा डोर फ्रेम की। अब यहाँ पे बेडरूम और छत के दरवाज़ा डोर फ्रेम की, छत पे तो अब दोस्तों कहूँगा कि यहाँ पे आप सीमेंट का डोर फ्रेम यूज़ कीजिए, आपको सस्ता भी पड़ेगा और अच्छा भी लगेगा। और दोस्तों बेडरूम में जहाँ तक आ जाता है वहाँ दिखने के लिए आप अच्छा दिखने के लिए लुकिंग अपीयरेंस अच्छा होने के लिए ग्रेनाइट का यूज़ कर सकते हैं, वुडन का भी यूज़ कर सकते हैं और आप सीमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी डोर फ्रेम आपको अच्छा लगे आपके बजट में सही बैठता है वो सारे यूज़ कर सकते हैं। बहुत लोगों को के पास अच्छा बजट नहीं होता तो सीमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत कुछ का डोर फ्रेम होता है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लुकिंग अपीयरेंस के लिए लगा रहे हैं तो वहाँ पे ग्रेनाइट का आप लगा सकते हैं। और यहाँ जैसे कि मैंने बताया स्टॉपर का यूज़ ज़रूर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी ग्रेनाइट का या फिर सीमेंट का डोर फ्रेम आप यूज़ कर रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसके साइज़ की। दोस्तों बेडरूम का जो डोर फ्रेम है इसका साइज़ 7x3 का होना चाहिए, एक अच्छा साइज़ है, इससे छोटा ना ही रखे तो अच्छा है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है बहुत बार जगह के कारण भी ऊपर नीचे थोड़ा साइज़ करना पड़ता है, मगर ये मैंने एक स्टैंडर्ड साइज़ आपको बता दिया है। अब यहाँ पे हो जाता है कि बजट के ऊपर बहुत सारी बातें आ जाती है। बजट में अगर आप बात करना चाहते हैं तो यहाँ पे अगर आपका कम बजट है तो आप जा सकते हैं सीमेंट की डोर फ्रेम की तरफ और लोहे के डोर फ्रेम की तरफ। अगर आपका बजट अच्छा खासा है तो आप यहाँ पे लकड़ी के डोर फ्रेम की तरफ जा सकते हैं, उसमें भी सागवान के डोर फ्रेम की तरफ जा सकते हैं, बजट अच्छा खासा है। बजट नॉर्मल है तो लकड़ी का कोई दूसरा भी डोर फ्रेम आप लगा सकते हैं, और अगर सागवान का लगाएंगे तो सबसे बेस्ट है। बाकी ग्रेनाइट का क्वालिटी वाइज डिपेंड करता है कि आपको क्या कॉस्ट पड़ेगा, तो इन सब बातों का भी आप ध्यान रखते हैं। चलिए दोस्तों आई थिंक वीडियो अच्छी नॉलेजफुल रही, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी खींच गई हो, मैंने कोशिश नहीं करी खींचने की, मगर काफ़ी बार वीडियो में बोलने में गड़बड़ हो जाता है और वॉइस की डिस्टर्बेंस इतनी ज़्यादा आ रही है कि बहुत बार दिमाग में जो बातें चल रही होती है वो सही तरह से एक्सप्रेस नहीं हो पाती हैं, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा आज की वीडियो लंबी खींचने के लिए। आपको कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और नॉलेजफुल रही कि नहीं वीडियो इसके बारे में भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और दोस्तों नए हैं तो आपसे हाथ जोड़कर लास्ट बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।